जर्मनी का एक आम शख्स, एक आम कलाकार किस तरह पहले एक सैनिक बना, इसके बाद फिर एक सैन्य अधिकारी बना और देखते ही देखते नाजी दल में शामिल होकर किस तरह अपने मुल्क का हुक्मरान बन गया, ये सब हम पहले भाग में देख चुके हैं। इसी के आगे हिटलर से जुड़े दूसरे अध्याय में हमने देखा कि हिटलर ने किस तरह अपने फायदे के लिए अपने सबसे चहेते और वफादार सिपह सलारों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही अपने विपक्षी दलों को रास्ते से हटाने के लिए हिटलर की टीम की तरफ से संसद भवन में नाटकीय ढंग से की गई एक आगजनी का जिक्र भी हमने दूसरे भाग में किया। लेकिन हिटलर के जीवन से जुड़ा सबसे खतरनाक और काला अध्याय हम तीसरे पार्ट में देखने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं लाखों यहूदियों को मौत के मुंह में सुला देने की। मुझे लगता है कि बाकी सब को छोड़कर वाकई में यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते हिटलर हमेशा हमेशा के लिए एक दुर्दांत तानाशाह बन गया। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले स्टडी आईक्यू हिंदी टीम की तरफ से मैं अमृत उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिटलर से जुड़े पहले दो एपिसोड्स में हमें आपकी तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिटलर से जुड़ा अब तक का सबसे बुरा अध्याय। यूरोप में यहूदियों के प्रति भेदभाव और प्रताड़ना की घटनाएं कोई नई बात नहीं थी, यानी नाजियों ने ही यहूदियों पर ज्यादती शुरू की, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मध्य युग से ईसाई धर्म के ठेकेदार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईसा मसीह की मौत के लिए यहूदी ही जिम्मेदार हैं। इस वजह से यूरोपीय देशों में यहूदियों के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव किया जाता रहा है। आधुनिक यूरोप में भी इस वर्ग को सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। ये बात भी सही है कि ज्यादातर यूरोपीय देश जब धीरे धीरे सेकुलर होना शुरू हुए तो यहूदियों को भी औपचारिक रूप से समान अधिकार देने की व्यवस्था हुई, पर यहाँ कथनी और करनी में फर्क था। कागजों में कुछ और हकीकत में कुछ और। यहूदी अब भी नस्ल के आधार पर अपमान झेल रहे थे। हिटलर भी इसी में से एक कड़ी है। हिटलर जब अपने करियर की शुरुआत में कुछ साल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रुका हुआ था, उसी दरमियान वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो पहले से ऑस्ट्रिया में एंटी सेमेटिक कैंपेन यानी यहूदी विरोधी अभियानों से जुड़े थे। इन लोगों ने ही हिटलर के जहन में यहूदियों के खिलाफ जहर भरना शुरू किया। इनमें दो बड़े शख्स के नाम याद आते हैं, एक ऑस्ट्रिया का जर्मन राष्ट्रवादी जॉर्ज रिटर और दूसरा वियना का मेयर कार्ल लुइगर। उसने ही हिटलर को एक दीर्घकालिक योजना बताई थी कि किस तरह एंटी सेमेटिक और सोशल रिफॉर्म्स को अंजाम दिया जा सकता है। हिटलर कार्ल लुइगर से इतना प्रभावित था कि उसने अपने हाथों से लिखी पहली किताब मीन कैंप में उसे हमेशा के लिए सबसे महान जर्मन मेयर घोषित कर दिया। मीन कैंप के जरिए ही हिटलर ने अपने नाजी साथियों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया था। उसने पहले विश्व युद्ध में हार के पीछे यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि जर्मनी की सरजमी पर यहूदी न होते तो आर्य अकेले ही इस युद्ध को जीत जाते, क्योंकि यहूदी कभी नहीं चाहते कि जर्मनी ये युद्ध जीते। हालांकि इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में यहूदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली थी। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ खुलेआम जहर उगलना शुरू किया। उसने बताया कि बड़े बड़े पदों पर यहूदियों का कब्जा है, इसलिए जर्मनी की ये दुर्दशा है। हालांकि हिटलर की बातों में तथ्यात्मक सच्चाई जरूर थी। जर्मनी में उस समय पूंजीवाद को यहूदी ही कंट्रोल कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद यानी इंटरनेशनल कम्युनिज्म में यहूदियों का दबदबा था। कार्ल मार्क्स जैसा महान विचारक खुद एक जर्मन यहूदी था। जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी में भी ज्यादातर यहूदी ही थे। इस पर हिटलर ने ऐसा संदेश दिया कि यहूदी कोई धर्म नहीं है बल्कि एक नस्ल है, और ये नस्ल आगे चलकर हमारी खुद की नस्ल यानी आर्य नस्ल को खत्म कर देगी। 1922 में म्यूनिख में एक भाषण के दौरान बकौल हिटलर, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, इधर विक्ट्री ऑफ द आर्यन और एनहिलिटेशन ऑफ द आर्यन एंड द विक्ट्री ऑफ द ज्यू। यानी हिटलर ने कहा कि यहाँ केवल दो ही चीजें मुमकिन है, या तो आर्यों की जीत हो या फिर आर्यों का खात्मा और यहूदियों की विजय। उसने नाजियों को इस बात के लिए उकसाया कि जर्मनी का भला तभी हो सकता है जब इस सरजमी पर नस्लीय शुद्धता हो,
यानी कुल मिलाकर ये एक इशारा था कि अब योजनाबद्ध तरीके से जर्मनी में केवल आर्य श्रेष्ठता को स्थापित करना है। इसके लिए उसने हर मोर्चे पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1933 में हिटलर के चांसलर बनते ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो चुके थे। बस यहीं से हॉलोकास्ट की शुरुआत हो गई। यहूदियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मोर्चों पर बहिष्कार होना शुरू हो गया। नाजियों का लक्ष्य था यहूदियों का सफाया। इस पूरी योजना को नाजी दल के लोग द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन कहते थे। जर्मन राष्ट्र में आर्य शुद्धता लाने के लिए नाजी दल में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया गया। महिलाओं की मुख्य भूमिका थी घर में मां बनकर रहना और आर्य बच्चों की देखभाल करना। यही आर्य बच्चों को बाद में सेना में शामिल किए जाने का हिटलर का अपना प्लान था। आर्यों और यहूदियों को पूरी तरह अलग करने के लिए उसने कानूनी साजिश भी की। उसने 1935 में एक कानून पारित कर यहूदियों की नागरिकता संबंधी अधिकारों को कम कर दिया। तय किया गया कि यहूदी लोग जर्मन या उसके किसी रक्त संबंधी से न ही शादी कर सकते हैं और न ही कोई संबंध रख सकते हैं। इन कानूनों को नूरमबर्ग लॉज कहा जाता है। अब यहां से आप कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से दूसरे विश्व युद्ध का घटनाक्रम और द हॉलोकास्ट दोनों एक साथ चलेंगे। साल 1936 का मार्च का महीना था और यहां से शुरू हुई उस अध्याय की पटकथा जिसकी परिणति हमें नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु हमले के रूप में दिखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की। ये बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि इसकी पृष्ठभूमि 3 साल पहले बन चुकी थी और जिसका श्री गणेश किया था हिटलर ने। मार्च 1936 में जर्मन सेना के जनरल्स के मना करने के बावजूद हिटलर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को आदेश दे दिया कि वे राइन नदी के बाएं तट को अपने कब्जे में ले लें। अगले 2 सालों में जर्मनी ने दबे पांव इटली और जापान के साथ भी अपना अलायंस बना लिया। साल 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने तेजी से चेकोस्लोवाकिया की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने ऑस्ट्रिया में जर्मन सरकार की घोषणा कर दी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक फेडरल स्टेट ऑफ जर्मन ही कहा गया। 7 नवंबर के दिन पेरिस में जर्मनी के एक राजदूत अर्नस्ट वोम राट को गोली मार दी गई। गोली जिस शख्स ने चलाई थी वो महज 17 साल का एक नाबालिग था और पोलैंड में रहने वाला एक यहूदी लड़का था। बस इसी बात का बहाना लेकर नाजियों ने यहूदियों को घेरना शुरू कर दिया। हिटलर पहले ही मन बना चुका था कि वह हर हाल में न केवल जर्मनी बल्कि ऑस्ट्रिया सहित पूरे यूरोप से यहूदियों को निकाल फेंकेगा। अर्नस्ट वोम राट की हत्या उसके लिए एक बहाना थी। 9 नवंबर को वोम राट की मौत के बाद न केवल जर्मनी बल्कि ऑस्ट्रिया और दूसरे इलाकों में यहूदियों के खिलाफ सामूहिक हिंसा शुरू हो गई। इन दंगों में कई यहूदियों को जान माल का भारी नुकसान हुआ और कईयों को जेल में डाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को क्रिस्टल नॉच यानी नाइट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 9 नवंबर के दिन हिटलर म्यूनिख में तख्ता पलट की वर्षगांठ का जश्न मना रहा था और जब हिंसा हुई तो म्यूनिख की गलियां टूटे हुए कांच से पटी पड़ी थी। इसलिए इस पूरी हिंसा को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के तौर पर भी जानते हैं। इधर जर्मनी ने पहले ही ऑस्ट्रिया को हथिया लिया और चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन लैंड पर भी कब्जा कर लिया। दोनों ने ही फ्रांस और ब्रिटेन जैसी शक्तियों से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह यह थी कि फ्रांस और ब्रिटेन अच्छे से जानते थे कि हिटलर काफी उग्र मिजाज का लीडर है और ये पहले विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए फिर से नया युद्ध छेड़ सकता है। इसलिए सितंबर में इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के मुखिया म्यूनिख में मिले, जहां उन्होंने एक करार पर दस्तखत किए। इस म्यूनिख पैक्ट में यह तय किया गया कि चेकोस्लोवाकिया को शांतिपूर्वक अपने सीमाई इलाके सुडेटनलैंड को सरेंडर कर देना चाहिए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध न हो। लेकिन हिटलर अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक साल ही बीता था कि उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला बोल दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस को मजबूरन जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अनियंत्रित हिटलर ने अगले 2 सालों में यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1940 में उसने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी चढ़ाई कर दी। एक साल बाद जून के महीने में उसने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से को भी नहीं छोड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मई 1939 में उसने सोवियत संघ के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट पर दस्तखत किए थे। ऐसे में सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से पर किया गया हमला 1939 के समझौते का उल्लंघन था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिटलर को बुरे अंजाम भुगतने ही थे।
क्योंकि सोवियत संघ में भी कमजोर नेता नहीं था। उस वक्त सोवियत संघ पर राज कर रहा था डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। हिटलर को यूरोपीय अभियान में बड़ी सफलता मिलने के बाद अभी यहूदियों का सफाया करना बाकी था। 1941 का ये साल यहूदियों के लिए कयामत बनकर टूटा। 1941 से 1945 इन चार सालों में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये चार साल होलोकॉस्ट का आखिरी चरण था, जिसे फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन कहा जाता है। इन चार सालों में नाजियों ने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से और राज्य प्रायोजित नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया। इस पूरे नरसंहार में हिटलर ने जघन्यता की सारी हदें पार कर दी। उसने यहूदियों को मारने के दो तरीके निकाले। पहला, मास शूटिंग, यानी एक बड़ी तादाद को एक साथ खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया जाए। और दूसरा तरीका था गैसिंग ऑपरेशंस, जिसके तहत कुछ किलिंग सेंटर्स बनाए गए जहां उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखा जाना था जहां ऑक्सीजन ना हो और दम घुटकर उसके दुश्मनों की मौत हो जाए। मास शूटिंग जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप के 1500 से ज्यादा शहरों, नगरों और गांवों में की गई। ये हत्याएं दिन के उजाले में की जाती थी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। नाजियों ने किसी को भी नहीं बख्शा। हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। सबूत बताते हैं कि इस मास शूटिंग के जरिए पूरे पूर्वी यूरोप में 20 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को अकाल मृत्यु दे दी गई। 1941 में उसने ऑपरेशन T4 के तहत करीब 80,000 यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मौत दे दी। साल के आखिर में उसने जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों और पोलैंड में किलिंग सेंटर्स खोलने शुरू किए। ये किलिंग सेंटर्स या डेथ कैंप्स खास तौर पर सामूहिक हत्या करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये सारे के सारे किलिंग सेंटर्स जर्मनी द्वारा कब्जे में लिए गए पोलैंड में खोले गए। पहला किलिंग सेंटर पोलैंड के सेलमनो में खोला गया था। यहाँ जितने भी लोगों को मारा गया उनमें ज्यादातर यहूदी थे। हालांकि मरने वालों में से एक तादाद रोमा लोगों की भी थी। रोमा मूल रूप से भारत के पंजाब से आने वाले आदिवासी लोग थे। यूरोप में इन्हें जिप्सी कहा जाता था। साल 1942 और 1943 में पोलैंड के ही बेल्जिक, सोबिबोर और ट्रेबलिंका में तीन और किलिंग सेंटर्स खोले गए। इन सेंटर्स में सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन राइनहार्ट चला। सेलेमनो और ऑपरेशन राइनहार्ट के तीनों कैंपस में बंद गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। बड़ी तादाद में लोगों को दर्दनाक मौत देने के लिए इन चैम्बर्स में डीजल एग्जॉस्ट लगाए जाते थे। इस एग्जॉस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से गैस निकलती थी, जिससे दम घुटकर लोगों की मौत हो जाती थी। बताया जाता है कि ऑपरेशन राइनहार्ट के तहत तीन किलिंग सेंटर्स में करीब 18 लाख लोगों को मार दिया गया। 1943 में पोलैंड के ही ऑस्विस बिरकेनो में सबसे बड़ा किलिंग सेंटर खोला गया। यहाँ चार गैस चैम्बर बनाए गए। इन चैम्बर्स में जाइक्लोन बी नाम की एक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिसके जरिए हर रोज करीब 6,000 लोगों को मार दिया जाता था। माना जाता है कि 1944 के आखिर तक इस किलिंग सेंटर में 10 लाख यहूदियों और करीब 10,000 रोमा, पोल्स और सोवियत बंदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहूदियों को अकाल मृत्यु देने की इस कायराना हरकत को हिटलर के सिपहसालारों ने अंजाम दिया था, जो उसके सैन्य बलों के साथ, जिसमें SA और SS शामिल थे, नाजी पुलिस गेस्टेपो, क्रिमिनल पुलिस क्रिपो इत्यादि से जुड़े हुए थे। इधर दूसरा विश्व युद्ध भी समानांतर चल रहा था। 1942 में समीकरण जर्मनी के विपरीत जाने लगे थे। मिस्र के अल अलामीन और सोवियत के स्टालिनग्राद मोर्चे पर हिटलर को मुंह की खानी पड़ी थी। साल के आखिर में अमेरिका ने उत्तरी अफ्रीका में अपनी टुकड़ियां भेज दी थी। इन 2-3 सालों में हिटलर को मारने की भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जुलाई 1944 में ईस्ट प्रशिया में हिटलर एक कॉन्फ्रेंस में था, जहां वो मरते मरते बचा। यहां हिटलर को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। 1944-45 के दरमियान बाजी बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि अलाइड फोर्सेज अब हावी हो चुकी थी। इधर सोवियत ने पूरब की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी थी। हिटलर अब समझ चुका था कि उसके दिन लद चुके हैं, क्योंकि जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। नाजियों को कड़ी टक्कर देने वाली सोवियत रेड आर्मी ने बर्लिन की गलियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। यह सब देखते हुए हिटलर ने जनवरी 1945 में बर्लिन में मौजूद उसकी एक गुप्त बंकर में खुद को छिपा लिया। यहां भी उसने दम नहीं ली और रेड आर्मी को रेजिस्टेंस देने के लिए आदेश जारी करता रहा। पर अब कुछ होने वाला नहीं था, और इस बात का अंदाजा हिटलर को भी था। अप्रैल का महीना था और हिटलर के जीवन के आखिरी दिन।
उसने अपना आखिरी आदेश जारी कर एडमिरल कार्ल दोनेत्ज़ को हेड ऑफ स्टेट जबकि जोसेफ गबल्स को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। 28-29 अप्रैल की आधी रात को उसने अपने जीवन की वो लालसा भी पूरी कर ली जो अब तक अधूरी थी। बड़े भावुक मन के साथ उसने अपनी मौत से एक दिन पहले अपनी प्रियतमा इवा ब्रॉन से शादी रची। यहाँ 30 अप्रैल को हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्रॉन दोनों ने साइनाइड कैप्सूल खाकर खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। हिटलर ने अपने सबसे प्यारी फीमेल डॉग ब्लॉन्डी को भी जहर दे दिया। बाद में हिटलर के आदेश पर ही इन डॉग्स को गोली मार दी गई। हिटलर ने जहर जरूर खाया लेकिन उसे जहर पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जहर खाने के बाद खुद को गोली मारी और गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी। और इस तरह अंत हो जाता है विश्व इतिहास के सबसे नृशंस और दुर्दांत तानाशाह और जर्मन फ्यूरर अडोल्फ हिटलर का। वही हिटलर जिसने अपने पूरे शासनकाल में 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों और गैर आर्यों को अकाल और बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, ये थी हिटलर की पूरी जीवन गाथा जिसके एक एक्शन ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया। वो युद्ध जिसने न केवल यूरोप की दुर्दशा कर दी बल्कि जापान के दो शहरों को सालों के लिए बर्बाद कर दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मैं यहीं विराम लूंगा। मिलते हैं इतिहास गवाह है कि एक और नए एपिसोड के साथ। ख्याल रखिए, नमस्कार।